हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा सेकंड लेक्चर है, और जो लेक्चर हमने कल स्टार्ट किया था एलाइजा के बारे में, उसी को हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करके चलते हैं। और आज के लेक्चर में हम एलाइजा से रिलेटेड जो हमारे कुछ PYQs भी है उनको भी हम आज के लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एलाइजा हमारा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम ये एक टाइप का हमारा एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे होगा जिसके अंदर हम एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की किसी बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर कंसेंट्रेशन को हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस किया था कि जो हमारी एलाइजा होती है उसके हमारे डिफरेंट टाइप रहते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कंपेटिटिव एलाइजा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम सैंडविच एलाइजा और जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा है इन दोनों के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे एलाइजा से रिलेटेड जो हमारे PYQs होंगे उनको भी हम लास्ट के में अंदर यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि जो हमारा सैंडविच एलाइजा होता है, ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हम यहाँ पे जैसे कि एंटीजन है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सरफेस हो गया, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एंटीबॉडी को ऑलरेडी यहाँ पे टैग कर देते हैं, बाइंड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैप्चर एंटीबॉडी। अभी तक अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे हमारा एंटीजन होता था और उसके साथ हमारा यहाँ पे जो एंटी, अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट हमारा कोई एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमारा यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्टली इसके साथ जाके बाउंड हो जाएगा। अगर हम इनडायरेक्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता था कि हमारा यहाँ पे एंटीजन है, एंटीजन के साथ हमारा यहाँ पे एक प्राइमरी एंटीबॉडी इसके साथ जाके हमारे यहाँ पे बाइंड होगी, और इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ हमारा क्या होगा कि कोई दूसरी हमारी यहाँ पे एंटीबॉडी बाउंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता था कि दोनों जो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों में क्या होगा कि जो एंटीजन है वो हमारा किसी एक एंटीबॉडी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो रहा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे सैंडविच एलाइजा होता है इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो हमारा सरफेस है, सरफेस के साथ जो हमने यहाँ पे कैप्चर एंटीबॉडी को टैग कर दिया, बाइंड कर दिया यहाँ पे, इसके साथ हमारा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे अब एंटीजन बाउंड होगा। इन दोनों केसेस में हमने सरफेस के साथ क्या अटैच किया था, एंटीजन, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एंटीबॉडी। फर्दर उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा अब एंजाइम लिंक, जैसे कि अब इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आएगा कोई दूसरा एक और सेकेंडरी या फिर डिटेक्शन एंटीबॉडी आएगी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटेक्शन डिटेक्शन एंटीबॉडी, ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एंजाइम लिंक होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट माउंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट, और ये हमारा पर्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेगा, और इस कलर की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना जो एंटीजन है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज की है, इससे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हम यहाँ पे किसी दूसरे, हम यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर मोर कॉमनली हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये एंटीजन हो गया, अब इसके साथ हम यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज होती है, ठीक है, इसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे ये एंजाइम लिंक रहता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंजाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंटीजन हो गया, इसके ऊपर की तरफ भी हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी है, नीचे की तरफ भी हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी है, जो एंटीजन है वो इन दोनों एंटीबॉडी के साथ हमारे यहाँ पे लिंक रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। लास्ट हमारे यहाँ पे होता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, जिसको हम इनहिबिशन एलाइजा भी बोलते हैं, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे होगा कॉम्पिटिटिव एलाइजा, या फिर इसको हम इनहिबिशन एलाइजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सैंडविच एलाइजा के बारे में ब्रीफली। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ एलाइजा एंटीजन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टू काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, कैप्चर एंटीबॉडी
एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी। यहाँ पे हमारी दो टाइप की एंटीबॉडी हमारी यूज होगी, एक हमारे यहाँ पे होती है कैप्चर और एक हमारे यहाँ पे होती है डिटेक्शन एंटीबॉडी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एलाइजा मेजर द एंटीजन बिटवीन टू लेयर ऑफ एंटीबॉडी कैप्चर एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी। इसमें हमारा क्या होगा कि जो हम यहाँ पे एंटीजन की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा एंटीबॉडी की दो लेयर्स के बीच में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एंटीबॉडीज कैप्चर एंटीबॉडी एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी। द टारगेट एंटीजन मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एंटीजेनिक साइट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार जो इसकी यहाँ पे डिसएडवांटेज देखी जाती है वो यही रहती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा एंटीजन है, एंटीजन हमारा यहाँ पे दो एंटीबॉडीज के साथ हमारा यहाँ पे बाउंड होगा, एक तो हमारी कैप्चर और एक हमारी दूसरी कौन सी थी, डिटेक्शन एंटीबॉडी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एंटीजन जिसको हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा मस्ट बी एबल टू बाइंड विद टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तभी तो यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुल होगा ना, अगर ये हमारा कैप्चर एंटीबॉडी के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, और अगर ये हमारे डिटेक्शन एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि द डार्क टारगेट एंटीजन जिसको हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं मस्ट कंटेन एटलीस्ट टू एंटीजेनिक साइट। ठीक है, तभी तो वो दोनों के साथ यहाँ पे बाउंड कर पाएगा, साइट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू एंटीबॉडीज। ठीक है, द कैप्चर एंटीबॉडी इज इमोबिलाइज्ड ऑन ए सरफेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा कैप्चर एंटीबॉडी होगा उसको हम इमोबिलाइज कर देंगे। ठीक है, इमोबिलाइज करने के बाद क्या होगा, ऑन ए सरफेस वाइल द डिटेक्शन एंटीबॉडी, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो गया था, ये एंटीजन आ गया था, उसके बाद हमारा क्या हो रहा था, वाइल द डिटेक्शन एंटीबॉडी जो हमारी डिटेक्शन एंटीबॉडी कंजुगेटेड टू एन एंजाइम और फ्लोरोसेंट लेवल इज अप्लाइड एज ए लास्ट स्टेप बिफोर क्वांटिफिकेशन क्वांटिटेशन। ठीक है, देन उसके बाद है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कैप्चर एंटीबॉडी एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी डज नॉट इफेक्ट वन अनदर्स बाइंडिंग कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एक ये इसकी लिमिटेशन की बात की थी ना कि जो हमारे यहाँ पे एंटीजन है वो हमारा दोनों एंटीबॉडीज के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होना चाहिए। अब उसके अलावा जो इसके एक और यहाँ पे लिमिटेशन कई बार देखने को मिलती है वो हमारी क्या होती है, लिमिटेशन या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन के तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंटीजन था, ये एंटीजन के साथ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से हमारे यहाँ पे जो हमारा डिटेक्शन एंटीबॉडी और एक हमारे यहाँ पे कैप्चर एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट में यहाँ पे यूँ ध्यान में रखना रहता है कि जो यहाँ पे हमारा डिटेक्शन एंटीबॉडी या फिर हमारा जो कैप्चर एंटीबॉडी जो हमारे यहाँ पे एंटीजन के साथ ये बाइंड कर रहे हैं, तो इनकी बाइंडिंग से किसी दूसरे, जैसे कि यहाँ पे जब हमारा कैप्चर इसके साथ यहाँ पे बाउंड करेगा तो उसका इफेक्ट डिटेक्शन एंटीबॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर डिटेक्शन हमारे यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो उसका इफेक्ट कैप्चर एंटीबॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू नहीं है कि हमारा यहाँ पे कैप्चर अगर पहले इसके साथ बाउंड हो गया तो ये डिटेक्शन वाले को बाइंड ही नहीं होने दे रहा, या फिर अगर हमारा यहाँ पे डिटेक्शन जब इसके साथ बाउंड हो गया तो उसने क्या किया कि कैप्चर वाले के साथ इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारा जो एंटीजन है वो दोनों के साथ सेम एफिनिटी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड रहना चाहिए। ठीक है, मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी यूज एज ए कैप्चर एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी इन द सैंडविच एलाइजा सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियली पहले हमने यहाँ पे जो हमारी कैप्चर एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको हमने इमोबिलाइज कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सैंपल को अपने ऐड किया, सैंपल में से जो हमारा यहाँ पे टारगेट एंटीजन होगा वो क्या करेगा, इसके साथ हमारा यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। ठीक है, मोनोक्लोन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा स्पेसिफिक किसी एक ही हमारे यहाँ पे एंटीजन के साथ बाउंड हो, या फिर कई बार हमारा यूं भी होता है कि हम एक सैंपल के अंदर मल्टीपल यहाँ पे टारगेट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए फिर उनकी क्वांटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हमने यहाँ पे सैंपल को ऐड किया तो सैंपल को ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पे जो टारगेट होगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ बाउंड हो जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड जो हमारा डिटेक्शन एंटीबॉडी होगी वो इसके साथ हमने यहाँ पे बाइंड करवाई, बाइंड करवाने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारे इसके साथ, जैसे कि यहाँ पे हमारा बायोटिन है, बायोटिन के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी दूसरे एक और एंजाइम को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बायोटिन की किसके साथ एफिनिटी रहती है, एविडिन के साथ, ये पॉइंट आपको ध्यान में भी रखना है, आगे के लेक्चर में भी हमारा ये काम आएगा। बायोटिन जो होता है वो हमारा किसके साथ बाइंडिंग शो करता है, एविडिन के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एविडिन इसके साथ यहाँ पे बाउंड होगा, और एविडिन के साथ हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एचआरपी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, एचआरपी हमारा यहाँ पे एंजाइम रहेगा जो कि क्या करेगा, सब्सट्रेट को जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो उससे हमारा कोई एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे बायोटिन के साथ एविडिन हमारे यहाँ पे बाउंड होगा तो क्या हो जाएगा, एचआरपी भी इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, और जब यहाँ पे हम
एचआरपी के लिए जो सबस्टेट है, अगर हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक यहाँ पे पिलर प्रोड्यूस कर देगा, जिससे कि हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट में एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे हमारी कंटिन्यू वॉशिंग भी चलती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एंटीबॉडी को यूज किया, तभी हमने वॉशिंग की, ताकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी अगर हमारी कैप्चर एंटीबॉडी है जो कि हमारे यहाँ पे सरफेस के साथ हमारे यहाँ पे इमोबिलाइज नहीं हुई है, तो वो हमारे यहाँ से रिमूव हो जाए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे वॉशिंग की, फिर से वॉशिंग की, तो ये वॉशिंग हमारे यहाँ पे स्टेप कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है सैंडविच एलाइजा। अब अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चलते हैं, जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा थी, तो उनके कंपेयर में इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, और जो इसकी यहाँ पे स्पेसिफिसिटी होती है, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, हाई रहती है, ठीक है, उन दोनों के कंपेयर में। देन उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिशन एलाइजा, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव इम्यूनो एसे। देन उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एलाइजा एसे मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एंटीजन बाय डिटेक्शन ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस। यहाँ पे अगर हम जैसे कि पीछे बात कर रहे थे, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर जो हमारे यहाँ पे सैंडविच एलाइजा होता है, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होगा, जितनी ज्यादा उसकी यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा हमारे वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि उसमें हमारा क्या था, जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हुआ था, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे एंटीजन भी प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिटिव एलाइजा की, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे इसका अपोजिट रिजल्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जितना कम हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, यानी कि जितना कम हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन की कंसेंट्रेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंटीजन है, ठीक है, उसकी डिटेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्नल इंटरफेरेंस रहता है। आगे देखते हैं, उससे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इन दिस टाइप एलाइजा टाइप द सैंपल एंटीजन कम्पीट विद द रेफरेंस एंटीजन फॉर बाइंडिंग टू ए सरफेस अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीबॉडी। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा होता है ना, कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर हम जो हमारे अभी तक के हमने जितने टाइप पढ़े हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर जो हमारा सैंडविच एलाइजा, इन तीनों में से हम किसी एक स्पेसिफिक टेक्निक को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर हम डायरेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वाली टेक्निक को भी, और सैंडविच को भी। यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सबसे सिंपल हमारा यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यही हमारा यहाँ पे एक सरफेस हो गया। सरफेस के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कोई एक, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एंटीजन को यहाँ पे बाउंड कर दिया, ये हमारे यहाँ पे एंटीजन थे, ठीक है, जैसे कि चल एंटीजन नहीं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एंटीजन हो गए, ठीक है। और ये हमने क्या कर रखा है, ये हमारे जैसे कि यहाँ पे एंटीजन है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे एंटीजन हो गए। ये हमारे जो एंटीजन है ना, ये हमारे फिक्स है, ठीक है, या फिर ये हमारे सैंपल वाले एंटीजन नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे एंटीजन तो काउंट करना ही है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे हम सैंपल के अंदर एंटीजन तो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कितने एंटीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे फिक्स किए है ना, ठीक है, इमोबिलाइज किया है जो एंटीजन, ये हमारे वे वाले एंटीजन नहीं है। जैसे कि जो हमने यहाँ पे क्वांटिफाई कर रहे हैं सैंपल के अंदर, वो हमने यहाँ पे शो कर दिए, ये हमारे कलर से, ठीक है, इनको हमें यहाँ पे क्वांटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक एंटीजन को इसके साथ फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो हमारे यहाँ पे एंटीजन थे, ठीक है, इनको हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फिक्स अमाउंट में जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगे इनके लिए, ठीक है, उनके साथ इसको क्या करवा दिया, पहले रिएक्ट करवा दिया हमने पहले से ही, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनके साथ इनको यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया। अब रिएक्ट करवाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये तो हमारे यहाँ पे रिएक्ट कर गए, नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज थी, ठीक है, ये तो हमारी फिक्स थी, जैसे कि ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने यहाँ पे 100 दिए थे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एंटीजन थे, ठीक है, ये हमारी ए कंडीशन है,
ये हमारे यहाँ पे बी कंडीशन है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एंटीजन को इस तरीके से यहाँ पे बाउंड कर रखा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज थी, अब टोटल हमारी कितनी थी, 100 थी। यहाँ पे हमारे जो एंटीजन थे ये थे हमारे यहाँ पे सिर्फ 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इसके साथ जो हमारा ये एंटीजन और एंटीबॉडी वाला जो यहाँ पे मिक्सचर होगा, इसको जब हम यहाँ पे इसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, इस वेल के अंदर जब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो टोटल 100 जो हमारी एंटीबॉडीज थी जो हमने यहाँ पे ऐड की, उसमें से 10 तो हमारी ऑलरेडी क्या है, एंटीजन के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड है, ठीक है, जो कि हमारे सैंपल के अंदर थी। जबकि जो हमारे यहाँ पे 10 सॉरी जो 90 जो एंटीजन होंगे, क्योंकि 10 तो हमारे यहाँ पे बाउंड हो चुकी है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे 90 एंटीबॉडीज होंगे, ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे इनके साथ अब रिएक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे 20 जो हमारा सोल्यूशन है सैंपल है, उसके अंदर हमारा क्या है, 20 हमारे यहाँ पे एंटीजन है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे 100 थे टोटल, 100 में से 20 तो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटीजन के साथ हमारी ऑलरेडी बाउंडेड है। जबकि जो हमारे 80 यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी, वे हमारी क्या होंगी, इनके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमने यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवा दिए। रिएक्ट करवाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी हम यहाँ पे कर देते हैं वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो ये 10 एंटीजन एंटीबॉडी वाले थे, इसको तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके 20 वाले रिमूव हो गए। तो जो हमारा ए था, ए के अंदर हमारे क्या थे, 10 एंटीजन थे, यहाँ पे हमारे 20 एंटीजन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉशिंग के बाद क्या किया, यहाँ पे हमने जो हमारा एंजाइम लिंक्ड जो हमारा डिटेक्शन एंटीबॉडी होती है, जो हमारी डिटेक्शन एंटीबॉडी होगी, उसके साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारा इनके साथ जाके यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, और इसके साथ हमारे यहाँ पे एंजाइम है सिमिलर, यहाँ पे भी हमारा वही होगा, इसके साथ हमारे यहाँ पे एंजाइम है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे 90 डिटेक्शन एंटीबॉडी इनके साथ यहाँ पे बाउंड होंगे, कितने 90, यहाँ पे हमारे कितने होंगे, सिर्फ 80, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा, जब हम इसके साथ जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, जब वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी हमारा सिमिलर वही होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें, तो इंटेंसिटी हमारी कहाँ पे ज्यादा रहेगी, जो हमारा यहाँ पे अगर हम 90 वाले की बात करें, तो 90 वाले में हमारे 90 यहाँ पे एंजाइम है जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कितने 90। तो यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी भी होगी वो भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे 80 में देखें, तो यहाँ पे हमारा इसके कंपेयर में, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कम इंटेंसिटी में यहाँ पे हमारा कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिर्फ 80 ही एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कलर प्रोड्यूस होगा उसकी इंटेंसिटी क्या हुई, कम हुई, यहाँ पे हमारा ज्यादा हुई। लेकिन अगर हम एंटीजन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे एंटीजन कम थे, यहाँ पे हमारे एंटीजन ज्यादा थे। तो ये हमारे जो यहाँ पे एलाइजा हो रही है, इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें जो हमने फिक्स किए हुए थे, तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे, ये हमारे हो जाते हैं रेफरेंस एंटीजन, और जो हमने यहाँ पे सैंपल के अंदर थे वे हमारे क्या हो जाएंगे, सैंपल एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक कंपटीशन होता है किस किस के बीच में, जो हमारा यहाँ पे सैंपल एंटीजन है और जो हमारा यहाँ पे रेफरेंस एंटीजन है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको क्या बोला था, कंपिटिटिव एलाइजा, या फिर यहाँ पे जो हमारे रेफरेंस वाले हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे सैंपल वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की इंटरेक्शन को यहाँ पे इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एलाइजा भी, ठीक है। और ये जो हमारा एलाइजा होता है, ये हमारा दोनों के कंपेयर में, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर सैंडविच के कंपेयर में भी बात करें, तो ये हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसके अलावा थर्ड अगर हम यहाँ पे केस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा होता है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा वो हमारा क्या हो सकता है, डायरेक्ट के साथ भी मर्ज हो सकता है, इनडायरेक्ट के साथ भी और सैंडविच के साथ भी। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे अभी स्टडी किया, तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, ये हमारा होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप का। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्राइमरी एंटीबॉडी को यूज किया, उसके साथ हमने यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी को यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटीजन, ठीक है। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल इनडायरेक्ट होता है, वहां पे भी हमारा क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे एंटीजन, ये हमारे यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी, और उसके साथ हमने यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी को यूज किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एलाइजा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एलाइजा भी हो सकता है, सैंडविच एलाइजा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग टेक्निक को भी इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एलाइजा द सैंपल एंटीजन कम्पीट विद द रेफरेंस एंटीजन फॉर बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीबॉडी। यहाँ पे हमने जो एंटीबॉडी यूज करनी है ना, ये हमारी स्पेसिफिक रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे 100 एंटीबॉडीज ली थी, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 100 एंटीबॉडीज थी, तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा। बाद में हम यहाँ पे जो डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं उसके हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं रखते हम, ठीक है। फिर क्या है, द रेफरेंस एंटीजन इज प्री कोटेड ऑन ए मल्टी वेल्ड प्लेट एंड द सैंपल इज प्री इनक्यूबेटेड विद द लेबल्ड एंटीबॉडीज और एडेड टू द वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लेबल्ड, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड जो हमारा अभी तो हमने किसकी बात की थी, इनडायरेक्ट वाले की बात की थी, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एलाइजा की बात करें कॉम्पिटिटिव के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे वेल हो गया, वेल के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये हमने यहाँ पे एंटीजन्स को यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एंटीजन हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या कर रखा है हमने यहाँ पे इन एंटीजन के साथ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी, हमने यहाँ पे अपना जो सैंपल था, सैंपल के अंदर जो हमारे एंटीजन होंगे वे हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ बाउंड करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ जो हमारे ये हमने यहाँ पे यूज किया ना, ठीक है, ये हमारे इनके साथ क्या है, यहाँ पे हमारे जो, जैसे कि यहाँ पे हम, ये हमने एक वैल ले रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे एक और मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने अपना सैंपल ऐड कर दिया, सैंपल के अंदर अपने क्या होंगे, एंटीजन होंगे। अब इन एंटीजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज को यूज किया, जो हमने यहाँ पे एंटीबॉडी है वो इनके साथ यहाँ पे बाउंड होगी, और जब ये इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो रही है तो इन्हीं एंटीबॉडीज के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना एंजाइम लिंक कर दिया डायरेक्ट। पहले हमने इनडायरेक्ट की बात की थी, यहाँ पे हमने जो बात की थी ना वो हमने कौन सी की थी, इनडायरेक्ट की। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट एंजाइम इनके साथ लिंक है। ये जो हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने क्या कर दिया, ये हमने इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एंजाइम के साथ यहाँ पे हमारे ये हमारी एंटीबॉडीज है, ठीक है, और इनके साथ हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो हमारा एंटीजन है वो इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे बाउंडेड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने यहाँ पे दूसरे जो और भी है, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो टोटल हमने जो एंटीबॉडी यूज की थी ना वो हमने 100 की थी। अब अगर यहाँ पे हमारे एंटीजन की कंसेंट्रेशन फिर से अगर हम यहाँ पे जैसे कि 10 मान के चले, ठीक है, तो इनमें से 10 तो हमारे यहाँ पे कैसे हो गए, जो बाउंडेड है, और अगर वो बाउंड हो चुके हैं तो वे हमारे अब इन एंटीजन के साथ बाउंड नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे 90 बचे हुए हैं वो हमारे क्या करेंगे, वे हमारे इनके साथ बाउंड हो जाएंगे। और इनके साथ हमारा क्या है, जैसे हमने बताया यहाँ पे हमारा एंजाइम इनके साथ बाउंड है, ठीक है। तो ए में तो हमारा क्या हो गया, 90 हमारे ऐसे होंगे जो कि हमारे अभी भी एंटीजन की तलाश में है। बी में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे एंटीजन की कंसंट्रेशन हमने 50 कर दी, ठीक है, तो 50 हमारे अनबाउंडेड रहेंगे जो कि हमारे फिर से क्या करेंगे, इन एंटीजन के साथ बाउंड होने के लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारे 50 ही क्या करेंगे, इनके साथ हमारे बाउंड होंगे। अब हमने यहाँ पे किसी अलग से कोई डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज नहीं किया है, तो जब हम यहाँ पे इनको वॉश करेंगे तो जो हमारे यहाँ पे हमारे सैंपल के अंदर जो हमारे एंटीजन थे वे तो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो ए के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे 90 ऐसे है जो कि बाउंडेड है, लेकिन इसके अंदर हमारे एंटीजन कम थे, तो इसीलिए हमने कलर वाली बताई थी ना बात, कि जितना कम हमारा यहाँ पे कलर होगा, जैसे कि 50 में हमारा यहाँ पे कम लग यहाँ पे इंटेंसिटी में कलर प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो एंटीजन की कंसेंट्रेशन थी वो हमारी ज्यादा थी, इसीलिए 50 हमारे क्या हो गए थे, ऑलरेडी बाउंडेड थे। कम हमारे पास यहाँ पे ऐसे बचे जो कि हमारे अब जो फिक्स यहाँ पे हमारे एंटीजन है उनके साथ बाउंड करने के लिए तैयार हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कलर भी है वो भी हमारा कम आया, और इसी वजह से इनके जो यहाँ पे एंटीजन के नंबर है वो हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। ये हमारी कौन सी होगी, जो हमारी डायरेक्ट एलाइजा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्टली एंटीजन के साथ एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के साथ ही हमारे यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने एंजाइम को लिंक कर रखा है। ये हमारा कौन सा हुआ, डायरेक्ट एलाइजा, और डायरेक्ट एलाइजा के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, कॉम्पिटिटिव वाला यहाँ पे यूज किया है। तो इसीलिए हमने बताया था कि यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट को भी, इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, डायरेक्ट भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, सिमिलर हमारा यहाँ पे सैंडविच भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताया, द रेफरेंस एंटीजन इज प्री कोटेड ऑन ए मल्टीवेल
यहाँ पे हमने रेफरेंस एंटीजन को लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेफरेंस एंटीजन को लगा दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टी वेल एंड द सैंपल इज प्री इनक्यूबेटेड विद द लेबल्ड एंटीबॉडीज एंड एडेड टू द वेल। और जो हमारे यहाँ पे सैंपल वाला होगा उसको हमने अलग से ही पहले क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है उसके साथ हमने यहाँ पे इनको प्री इनक्यूबेट कर लिया, रिएक्ट करवा दिया। अब जो हमारे बचेंगे वही हमारे इन रेफरेंस वालों के साथ ऐड हो पाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द एंटीजन, अगर हमारी एंटीजन की अमाउंट ज्यादा होगी सैंपल के अंदर तो हमारे कम ही बचेंगे, और अगर हमारी एंटीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम रहेगी तो हमारे ज्यादा ऐसे हमारे एंटीबॉडीज होंगी जो कि हमारे रेफरेंस वालों के साथ बाइंड कर पाएगी, ठीक है। मोर और लेस फ्री एंटीबॉडी विल बी अवेलेबल टू बाइंड विद द रेफरेंस एंटीजन, इट मींस द मोर एंटीजन देयर इज द सैंपल द लेस रेफरेंस एंटीजन विल बी डिटेक्टेड एंड द वीकर द सिग्नल, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एलाइजा रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा यहाँ पे है सैंपल वाला, ठीक है, सैंपल एंटीजन है ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी एंटीबॉडी है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवा दिया, रिएक्ट करवाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया हमारी डिटेक्शन प्लेट के अंदर, जहाँ पे हमने ये हमारे यहाँ पे रेफरेंस हो जाएंगे, रेफरेंस एंटीजन है ये हमारे यहाँ पे जो कि फिक्स है हमारे यहाँ पे ये वाले ब्लू कलर में। तो जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा फ्री एंटीबॉडी है जो कि हमारा किसी भी सैंपल के साथ, सैंपल एंटीजन के साथ बाउंड नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये हमारा रेफरेंस वाले के साथ जाके बाउंड हो जाएगा। बाउंड हो गया, हमने यहाँ पे वॉशिंग की, वॉशिंग के बाद ये वाले जो हमारे यहाँ पे होंगे वे हमारे रिमूव हो जाएंगे, तो जो हमारे इनके साथ बाउंडेड है रेफरेंस वाले के साथ एंटीबॉडी वही हमारे यहाँ पे रहेंगे। अब इसके साथ हमने, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अलग से डिटेक्शन एंटीबॉडी को यूज किया, डिटेक्शन एंटीबॉडी इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो गई। बाउंड होने के बाद ये क्या होगा, ये हमारा जो सबस्ट्रेट होगा उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और जो कि हमारा एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा कौन सा टाइप का एग्जांपल था, ये हमारा था जो इनडायरेक्ट एलाइजा जब हमने कंपटीशन के अंदर यूज की थी, ये हमारा एंटीजन, एंटीजन के साथ हमारा यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी और उसके साथ हमारे यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एलाइजा होती है, और इसके अंदर हमारी जो सेंसिटिविटी रहती है वो हमारी सबसे हाइएस्ट रहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ हमारे जो PYQs हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्चर वुड लाइक टू मॉनिटर द चेंज इन द लेवल ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर विच एन एंटीबॉडी इज अवेलेबल। वो किसी यहाँ पे सीरम प्रोटीन की यहाँ पे कंसेंट्रेशन को यहाँ पे चेक करना चाहता है, इन द लेवल ऑफ सीरम, ठीक है, प्रोटीन फॉर जिसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द पर्पज। तो अगर हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी हमारे पास अवेलेबल है और उसकी कंसेंट्रेशन अगर हम यहाँ पे चेक करानी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बोला इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, नहीं इससे हम कंसेंट्रेशन को चेक नहीं कर सकते और एंटीबॉडी का तो वहाँ पे क्या यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे यहाँ पे इम्यूनो फ्लोरोसेंस, सॉरी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी हमारा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो हमारे फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर रहेंगे उनके अंदर हम इसको डिस्कस करके चलेंगे, यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी वगैरह का हमारे यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एंजाइम लिंक इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे, तो ये तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, तो इससे तो हम जो शेप, जो साइज है या फिर जो सेल है उसकी जो ग्रेनुलर प्रॉपर्टी है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर एलिस्पोर्ट, एलिस्पोर्ट हमारे जो एलाइजा होती है उसी की हमारी एक मॉडिफिकेशन हो जाती है जिसके अंदर हम कंसेंट्रेशन को ही चेक करते हैं। फॉर एलिस्पोर्ट मेजरमेंट ऑफ इंटरफेरेंस गामा, IFN गामा सिक्रेशन बाय माउस NKT नेचुरल किलर टी सेल्स, ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स वर परफॉर्म्ड इन एन एलाइजा प्लेट। यहाँ पे हमने क्या किया है कि माउस के जो नेचुरल किलर टी सेल्स है वे जो हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस गामा को जब प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन की यहाँ पे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एलाइजा को परफॉर्म किया। यहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं और उसमें हमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को एक बार देखें तो जैसे कि सभी ऑप्शन के अंदर हमारा ई जो है वो हमारे यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ई और सी ये तो हमारे इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व कर दिए, बचते हैं हमारे पास कौन कौन से, ए बी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए के लिए बात करें, एडिशन ऑफ प्यूरिफाइड स्प्लिनोसाइट, फिर उसके बाद है स्टिमुलेशन ऑफ स्प्लिनोसाइट, और डी हमारे यहाँ पे है एडिशन ऑफ कैप्चर एंटीबॉडी। तो इतना तो हमें पता है कि जो हम कैप्चर एंटीबॉडी को यूज करते हैं
तो जो हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, जो अगर हम कंपेयर करके चलते हैं तो वहां पे हमारा जो कंपिटिटिव है उससे पहले हमारी कौन सी थी, इससे कम जिसकी इंटेंसिटी थी वो हमारे यहाँ पे होती थी जो हमारा सैंडविच एलाइजा। और सैंडविच एलाइजा के अंदर हम क्या करते थे कि जो हम कैप्चर एंटीबॉडी को यूज करते थे उसको सबसे पहले हम क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कैप्चर एंटीबॉडी स्पेसिफाई टू इंटरफेरेंस गामा, इनको जो हम यहाँ पे एंटीजन को फिक्स कर रहे हैं, जिसके साथ हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये हमने एंटीबॉडी को यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो इनके साथ जो हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस गामा जब यहाँ पे बाइंड होगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैप्चर एंटीबॉडी को ही बाइंड करना पड़ेगा, तो यानी कि डी तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले आएगा। ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ पे इनके साथ जो हमारे यहाँ पे एंटीजन होंगी, जो हमारे इंटरफेरेंस गामा होंगे, वे हमारे यहाँ पे बाइंड हो पाएंगे। ठीक है, तो डी तो हमारा सबसे पहले हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ए। ए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन ऑफ प्योरिफाइड स्प्लिनोसाइट। स्प्लिनोसाइट के अंदर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे, स्प्लिनोसाइट के अंदर हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ पे जो ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, वे सब इसके अंदर हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। और उसी में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे नेचुरल के लिए टी सेल्स होंगे। ठीक है, और उसी में हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे जो एंटीबॉडी को यूज कर दिया, अब हमने स्प्लिनोसाइट को जब यूज करेंगे तो उसमें से जो हमारे यहाँ पे नेचुरल के लिए सेल्स है, जो कि हमारे इंटरफेरेंस गामा को यहाँ पे रिलीज करेंगे, वे हमारे क्या हो पाएंगे, इन एंटीबॉडी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो गए। तो पहले तो हमें यहाँ पे स्प्लिनोसाइट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब हमारे ये बाइंड हो जाएंगे इंटरफेरेंस गामा वाले, फिर इसको वॉश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे ए वाला होगा, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे यहाँ पे बी होगा। बी में हमारे यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ स्प्लिनोसाइट। जो हमारे यहाँ पे स्प्लिनोसाइट है उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं बाय पेप्टाइड पल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे जो इंटरफेरेंस गामा है उनकी सिक्रीशन के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। जब ये सिक्रीट होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, जो हमारे नेचुरल क्लियर भी टी सेल्स भी होंगे स्प्लिनोसाइट के अंदर, और ये हमारे क्या करेंगे, एपीसी इनको यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। ये हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस गामा को यहाँ पे रिलीज करेंगे, और ये क्या कर लेंगे, इन एंटीबॉडीज के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे। वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमारे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे डिटेक्शन एंटीबॉडी हम यहाँ पे बाउंड करते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम जैसे कि ई अगर हमारे यहाँ पे देखे तो एडिशन ऑफ एविडेंट कंजुगेटेड कलर चेंजिंग सब्सट्रेट, तो लास्ट में हमारा सब्सट्रेट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे डी ए बी जो हमारा सीक्वेंस होगा, जो कि हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट माइनर वेरिएशन इन एंटीजन कंसेंट्रेशन द फॉलोइंग प्रोसीजर वर सजेस्टेड, व्हिच वन ऑफ लाइक विल लाइकली बी द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम एंटीजन की कंसेंट्रेशन के अंदर जो माइनर वेरिएशन आ रहा है उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें से हम यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस को यहाँ पे टिक करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमारा क्या है, एंटीजन कोटेड माइक्रोटिटर वेल, यहाँ पे हमने क्या किया, सरफेस लिया, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एंटीजन को बाउंड करवाया। नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे हमने एंटीबॉडी को बाउंड करवा दिया। ठीक है, एड एंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसके साथ हमने यहाँ पे एक और एंटीबॉडी को यूज किया जिसके साथ हमारे यहाँ पे एंजाइम बाउंड है। एड द सब्सट्रेट एंड बेजर कलर, और यहाँ पे हमने सब्सट्रेट को ऐड कर दिया। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट एलाइजा का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी कोटेड, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटीबॉडी को यूज किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एड एंटीजन, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटीजन को यहाँ पे हमने यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, अब हमने यहाँ पे एक और एंटीबॉडी को यूज किया जिसके साथ हमारे यहाँ पे एंजाइम बाउंड है। ठीक है, एड सब्सट्रेट एंड मेजर कलर, और यहाँ पे हमने सब्सट्रेट ऐड करके यहाँ पे कलर को मेजर कर लिया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया सैंडविच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्री इंक्यूबेट एंटीजन विद ए फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे एंटीजन है सैंपल के अंदर उसको हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज के साथ ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एड टू एंटीजन कोटेड वे, अब हमने यहाँ पे इस जो मिक्सर है जिसके अंदर हमारे फिक्स नंबर ऑफ एंटीबॉडीज है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेल के अंदर हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया, जिसके अंदर क्या है कि हमारे एंटीजन यहाँ पे ऑलरेडी कोटेड है। ठीक है, एड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, यहाँ पे इसके बाद रिएक्ट करवाने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक जैसे कि ये हमारे जो फ्री वाले होंगे, एक तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इनके साथ बाउंडेड है, जो हमारे फ्री वाले होंगे उनके साथ हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, पहले इनकी वॉशिंग की, वॉशिंग के बाद हमने यहाँ पे क्या किया नेक्स्ट के अंदर कि जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसको हमने यहाँ पे यूज किया, जिसके साथ हमारे यहाँ पे जो एंजाइम है वो हमारा लिंक है।
एड सबस्टेट एंड मेजर द कलर। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सबस्टेट को ऐड करके कलर को मेजर किया, और ये हमारा कौन सा टाइप हो जाता है, ये हमारा होगा कम्पिटिटिव, जो कि हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। और माइनर वेरिएशन को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट, सैंडविच, ठीक है, और जो हमारा कम्पिटिटिव है, इन तीनों को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चले तो उस हिसाब से हमारा थर्ड वाला यहाँ पे सबसे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, प्री इनक्यूबेट एंटीजन विद फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर से प्री इनक्यूबेट कर दिया एंटीजन को, फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एड टू ए एंटीबॉडी कोटेड वेल। ये हमारा एंटीबॉडी कोटेड नहीं होना चाहिए, ये हमारा कैसा होना चाहिए, एंटीजन कोटेड, क्योंकि एंटीजन ही तो हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी के साथ बाउंड हो पाएंगे। अगर हम यहाँ पे एंटीबॉडी को ही पहले यूज कर लेंगे तो उसके साथ हमारे एंटीबॉडी कैसे यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट सीक्वेंस है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा आज के बाद। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा मैच द टेक्निक विद द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन यूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन गिवन। अब यहाँ पे हमारा एक दो कॉलम दिए हुए हैं, उसके हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पे इनमें से देखें तो ये टेक्निक तो हमने यहाँ पे बाकी पढ़ी नहीं हुई, लेकिन हमने एलाइजा तो स्टडी किया है, ठीक है, और इसी के कंपेयर पे कई बार हमारे मैचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हमारा ऐसे ही हमें कई बार ट्रिक देखने को मिलती है, तो उसके अंदर हमारा अगर हमें एक भी पता होता है तो वहां पे हमारा वो क्वेश्चन इजिली बन जाता है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे सिर्फ हमें एलाइजा का पता है, बाकी का हमें यहाँ पे नहीं पता, तो अगर हम यहाँ पे एलाइजा की बात करते हैं, ठीक है, तो एलाइजा में हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम एंटीजन, जो हमारे एंटीबॉडी, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, उनकी कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एनालिसिस ऑफ मिथाइलेशन साइट, ये तो हम नहीं चेक करते। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5' एंड और 3' एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, ये भी नहीं करते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये भी नहीं करते। लास्ट हमारे यहाँ पे है क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, ये हम करते हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स है, प्रोटीन से हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा सी होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, फोर्थ वाले के साथ। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा सी फोर के साथ है, बाकी किसी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।